शिवपुरी जिले में जहां कुछ दिनों पहले कोलारस में मंडी के मुनीम को धमका कर और जबरदस्ती कर झोला छुड़ा लिया था, उसे पुलिस ने धर दबोचा है, जिसकी सूचना फरियादी ने संबंधित थाने में की, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल द्वारा घटना को गंभीरता से देखते हुए शीघ्र निकाल करने के आदेश दिए। वहीं 19 नवंबर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी कोलारस बाईपास भड़ोता पुल के पास खड़े हैं और भागने की फिराक में है। वहीं पुलिस द्वारा टीम गठित करके उक्त स्थान पर पहुंची, जहां आरोपियों से लूटा गया फरियादी का बैग, चेकबुक, लेटर पैड, बिल बुक कॉपी, कैलकुलेटर, एक मंडी का कट्टा एवं लूट के रूपों में से कुछ पैसे आए। कोलारस से इमरान अली की रिपोर्ट। यूपी साहब के सब इंस्पेक्टर रुबीन सिंगर, जो कि लुकवासा प्रभारी, इनकी टीम नरेश दुबे हैं, इनके साथ रुदौन भदौरिया हैं, सब लोगों ने मिल के जो मेहनत करी है, दिलीप हैं राजावत, उसमें एक क्लू मिला था कि एक तरफ से हमको दो गाड़ियां जाती दिख रही हैं पुरन खेड़ी से, और जब आवास कंट्रोल पे गई हैं तो वो तीन गाड़ियां दिखी। तीसरी गाड़ी को लोकेट किया गया और फिर उसका मुरैना तक उसका लोकेशन मिला था, बड़ी अच्छी सफलता मिली थी। क्या मामला है, क्या होता है, गिरफ्तारी है? ये पिछले महीने की घटना है 21 की, यहाँ पे मंडी व्यापारी के जो मुनीम है जो पैसा लेके बैग से निकल रहे थे, तो उनको एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार के पैसे लेके भाग गया। वो एक थोड़ा सा उसके संदिग्ध मामला था कि मंडी में इस तरह की वारदात दिन में हो गई थी, जिस पर से एसएस के साथ में यहाँ पे टीम बनाई गई थी, जिसमें एसडीओपी हमारे कोलारस अमरनाथ वर्मा, टीआई आलोक भदौरिया कोलारस के, और इनकी टीम सब इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह और बाकी लोग लगे हुए हैं। सर कितने लोग गिरफ्तार किए गए? इसमें हम लोगों को अच्छी सफलता मिली है और इसमें हम लोगों ने भी तीन आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिनमें एक स्थानीय जो रेकी कर रहा था कि ये मुहिम जो जब भी जाते आते हैं तो उनके पीछे दो तीन कई दिनों से रेकी कर रहा, उसी ने इनको टिप दी थी कि 20 लाख तक का सामान मिलेगा और 3 लाख की फरियादी को अंदाजन था कि जो पैसा है, अभी जो पकड़ाए हैं इन्होंने 2,17,000 उसमें से जाना बताया, जिसमें कुछ फटे नोट थे, और अभी उनसे 1,05,000 रिकवर हुए हैं तीन लोगों से। इनका बताना है कि दो मोटरसाइकिलों पर 5 लोग थे और एक इनकी रेकी करने वाला स्थानीय आदमी था। ये 5 जो हैं गुनाह के आरोपी हैं पहले के, कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं, और ये यहाँ पर वारदात करी तो एक मोटरसाइकिल से 3 लोग थे वाइट रंग के अपाचे में, इन्होंने टक्कर मारी थी फरियादी को, और मेरे जब गिर गया तो दूसरी मोटरसाइकिल काले रंग की मोटरसाइकिल में जोर रखे थे, वो जो गाड़ी बैग लेके भागे थे बड़ौदा तरफ निकले थे, मैंने उससे नहीं निकले थे, पुलिस की चेक बंदी उसने नहीं पकड़ाया था, लेकिन अब ऐसे मोटरसाइकिल वाइट अपाचे मिल गई है, 1,05,000 मिल गए, और बैग था वो बैग भी और उसमें रखा सामान भी रिकवर किया गया। नहीं इसमें अभी हथियार इसमें अभी नहीं मिले, उनके हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ी थी इनको, और भी बाकी ये तीन आरोपी फरार हैं तो उनको और पकड़ा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।